हमीरपुर के गसोता की 65 वर्षीय बुजुर्ग सावित्री देवी ने अपनी ही बहू क्षमा कुमारी पर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। बहू क्षमा कुमारी की प्रताड़ना से पीड़ित बुजुर्ग महिला ने इसकी शिकायत रक्षा द सेवियर संस्था को की है। बुजुर्ग महिला सावित्री देवी का आरोप है कि उसकी बहू क्षमा कुमारी उसके व परिवार के साथ हाथापाई गाली गलौज पर दुर्व्यवहार करती है। टांकी आज नहीं बगी सारा दिन बगी रहती टांकी वे बाथरूम वगैरह इन्हें इतनी करना बड़पन स्मेल आती भी अं नहीं रही सकते हैं इस हालात च पर फिर भी अं चलो गुजारा करी कर परेशान नहीं करते भी कोई 10 साल कोर्ट कचहरी में रही मैंने लाने का दावा किया था मैंने बोला सुधर गई होगी तो चलो हमारी सेवा करेगी कि घर को संभालेगी। अच्छा लेकिन उसने आने के बाद हमें बहुत तंग किया। अच्छा बहुत मतलब कोई काम नहीं करती है जिसके साथ शादी की गई है उससे लग रहती है। अच्छा। वो हमारी सेवा करता है लड़का ये करवाली करती है ये लड़की आती है कभी कभी तो उसको भी गाली गलौज करती है। वो प्रधान है पंचायत की बीएससी बीएड है मेरी बेटी उसको भी गाली गलौज करती है कभी कभी देखने मुझे आती है। मुझे 4 साल हो गए पैरालाइज हुए इसने पानी का घूंघ तक नहीं दिया कपड़े तक क्या धोने फिर अहे भी जानते ना जी कोई सुनवाई नहीं हुई पंचायती च पुलिसा जी है रिश्तेदार है पुलिस में इसके रिश्तेदार हैं और वो मतलब इस एक बार क्या हुआ भाई इसको बाढ़ से पकड़ा और फर्श पर पटक दिए उधर और पुलिस भी खुद बुलवा ली। फिर पुलिस वालों को अपने कहा FIR लिखो इसने क्यों पीटा नेसेसरी इसको पुलिस वालों ने लिखी इसके रिश्तेदार पुलिस में हैं वो इसको मतलब ये करते हैं उकसाते हैं लड़ाई झगड़े के लिए अपने घर चले भी दुखी कोई काम नहीं करना कौन ने लड़ने दुआ करने रहना मुश्किल की तू इतने साल ये पे तंग करी तू ये उन रहना भी मुश्किल है जो कर गया नहीं चाहिए कंडा कर बस क्या चाहिए सब कुछ इन्होंने पुत्र है कुछ नहीं से बस 8-9 साल दस अच्छी कोर्ट मेरी बात सुन लो बस मारी चुकी एक दिन बस नेरा लगता हूं इतनी कोई नहीं पत्थर मां पुत्र पत्थर लग पे मारने इतना फर्क रहा नहीं तो जंगल च बजी जाने पत्थर इतना पंचायती चीता था कोई सुनवाज नहीं की बोले मैं नहीं मारे बस तू ठीक लाना मैं नहीं एडा किता मैं नहीं अपनी फेरी इतनी थले तो पत्थर लग पी मारने एक दिन दरवाजा खिंजी दिया जे दरवाजा मैं बंद नहीं किता तो थे अंदर ही मारने पड़ जाना मैं बिल्कुल नहीं मारती बीरती भ्याग 5 बजे तो उठी पूरा दिन मेरे बच्चे जन्म जो गाने देंगे अं जो बाथरूम वगैरह नहीं जाने देंगे इतनी निकलना देंगे मेरे कमरे से इतनी बुरी हालत रात दिन टांकी बगी रही मैं अगर पानी आए जो भी सदू सब नहीं आता सब ना देंदे बोलते भी तेरे है मारना पैंता घर आला कोई भी नहीं आना चाहता मेरे ने मेरे ने गल करना चाहते भी है ना अं जो झूठे इल्जाम लगाई जाते अं जो पता नहीं होंगे इं गल का मैं कुछ मारने भी है मुझे जरूरत नहीं ना मारने की भी भगवान ने दिख गए ना जो मैं कुछ नहीं बोली सकती है गल पीछे। मैं इंदू राजपूत दिल्ली से जो हमारी संस्था है उसका नाम है रक्षा द सेवियर और ये सावित्री देवी जी हैं गांव का सोता हिमाचल से जो जिला लगता है इनका हमीरपुर लगता है। तो अभी 5 से 7 दिन पहले हम लोगों को उसके कंप्लेन गई थी इनकी कि पिछले 20 साल से इनकी बहू बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित कर रही है तो बिजी शेड्यूल की वजह से मैं आ नहीं पाई कल मुझे टाइम मिला तो मैं आज हमीरपुर इनके घर आई हूँ और मैंने देखा जो यहाँ का माहौल इनकी बातें सुनी ये हम लोगों के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि 20 साल से एक बहू अपने पति को अपने सास ससुर को इतना प्रताड़ित कर रही है और जो कंप्लेन थी उसके अंदर ये भी इन्होंने लिखा हुआ है कि बहू ने जब धक्का मारा था तो इनके ससुर को पैरालाइज हुआ था। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इतना कुछ घर में होने के बावजूद ना पंचायत काम कर रही है ना पुलिस काम कर रही है और इसका जब मैंने कारण भी पूछा कि ये कारण क्या है कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही तो उसके पीछे जो कारण निकला वो यही कि बहू का जो भाई है कोई इनका कजन ब्रदर है वो पुलिस में है और जब भी इनके घर में झगड़ा होता है जब बहू झगड़ा करती है तब भी पुलिस वाले आके इन्हीं को ही डांट के जाते हैं
और इन्हीं को ही बोलते हैं हम उठा के अंदर कर देंगे या तो आप चुपचाप पड़े रहो एक साइड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, बाकी पूरे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस तरह से हमारे देश में हमारे समाज में और इस तरह की प्रताड़ना मुझे नहीं लगता ये होना चाहिए। पर मैं तो काट लेना बीच में से ना, तो इतनी दूर से आने का मेरा मकसद बस यही है कि जो अन्याय इनके साथ हो रहा है इनको न्याय मिले। अब किसी के परिवार का पुलिस में होना वो साबित नहीं करता कि वो इंसान सही है, और किसी के परिवार का पुलिस में ना होना ये साबित नहीं करता कि आपको इतनी प्रताड़ना झेल रही है। ये हमारे लिए पुलिस प्रशासन के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि आपकी दी हुई वर्दी का बहुत ही गलत इस्तेमाल हो रहा है। और मैं निवेदन करती हूँ कि इस परिवार को न्याय मिले और ये इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ शांति चाहिए। परिवार से मिले, फिर जो इनकी बहू है क्षमा कुमारी, हम उनसे भी मिले कि पूछते हैं क्या है। तो उनका तो उनके बेटे ने मुझसे पूछा कि वीडियो है क्या कोई, हमने मारा, क्या प्रूफ है आपके पास में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कदम मैं उठाने आई हूँ वो तो मैं उठाऊंगी। अभी कंप्लेन तैयार हो रही है, मैं कंप्लेन करने जाऊंगी महिला थाने हमीरपुर में, और उसके बाद अगर वहां भी सुनवाई नहीं तो मैं केस को आगे लेके जाऊंगी। इसको ये पुलिस के भरोसे ही बैठे हैं कि हम पुलिस कुछ करें, पुलिस नहीं करेगी फिर नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा हम करेंगे उसमें।